व्हाट इज अ फाइटर्स आदर्श। तो आज हम लोग चिज़ुरु कागुरा लेकर खेलने वाले हैं और देखें कि ये कितना ज़्यादा डैमेज कर सकती है। वैसे भी मेरी चिज़ुरु यहाँ पर 1-4 पर है, तो एकदम से हम तो नहीं बोल सकते कि 5-3 स्टार पर कितना डैमेज कर पाएगी, मगर अभी फिलहाल फिर लीग मैच हम लोग का अटैक टाइप फाइटर चल रहा है, तो इसलिए हम लीग मैच में इसको लेकर नहीं आ सकते हैं। आप लोगों से एक जन को रिक्वेस्ट किए थे और उसका एक्सप्लोड वॉर में भी लेकर जाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्कोर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा खासा आइडिया पाने के लिए। एक सेकेंड, हम प्लैटिनम 4 पे क्या कर रहे हैं? ओ आज तो हम खेले ही नहीं है, सही बात है। ठीक है, तो हम लोग इसको लेकर जाएंगे सीधे गिल्ड रेड में, और गिल्ड रेड अभी तो गीज अवार्ड का चल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग हार्ड मोड में चिज़ुरु लेकर खेल सकते हैं, तो हम लोग वहीं पर खेलेंगे इसको। और अगर हम लोग कार्ड सेट का बात कर लें और बिल्ड का बात कर लें, तो चिज़ुरु 1 स्टार पर है, यहाँ पर उसका एफिनिटी पूरा मैक्स आउट करके रखे हुए हैं, और उसके कैप्सूल्स में हम इसको पूरी तरह मैक्स करके रखे हैं 1 स्टार पर, इतना हो सकता है। कोर सभी के सभी अनलॉक्ड हैं, आप यहाँ देख सकते हो। और अगर कार्ड्स की बात करें तो कार्ड्स में हम इसको नया हम लोग का चिज़ुरु सेट जो है वही दिए हुए हैं, और यहाँ पे जिंटामा 3PG कार्ड, 3PG नहीं कूलडाउन कार्ड, और उसके बाद हम लोग पास जो चिज़ुरु का एपिक क्वेश्चन हम लोग को 3PG मिलता है, हम उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी मेरे पास वाला कार्ड नहीं है, नया वाला सेट कार्ड, मतलब नया वाला स्पेशल कार्ड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर भी फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, मगर इसको भी कुछ दिन में कर लेंगे। मगर यहाँ पर पहले हम हैमर ले लेते हैं। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर हैमर नहीं कलेक्ट करते तो आप लोग कर लो, क्योंकि ये सब हैमर और ये कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ये ऐसे जल्दी से मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को फार्म कर लेना गाइज। और उसके अगर स्टोन का करें तो उसको कोई स्टोन्स नहीं दिए, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर स्टोन शायद है भी नहीं, और अगर स्टोन है तो मेरे पास हैमर तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो हम इसको ये वाला स्टोन दे सकते हैं, मगर अभी फिलहाल मेरे पास अपग्रेड करने के लिए हैमर नहीं है, तो हम इसलिए अभी फिलहाल के लिए नहीं करने वाले हैं। मगर हम चिज़ुरु का कैरेक्टर ब्रेक डाउन कर लें, तो हम लोग पास यहाँ पर लीडरशिप स्किल में ब्लास्ट स्किल डैमेज 65% इंक्रीज़ होता है, और हम लोग जब भी ब्लास्ट यूज़ करते हैं तो हम लोग 5% एक्स्ट्रा पावर गेन करते हैं। और हम लोग कोर का बात कर लें, तो कोर में हम लोग पास पहले रिफ्लेक्ट स्टन, मतलब अगर हम लोग कोई भी स्टन करता है तो हम लोग उसको वहीं पर स्टन कर देंगे, मतलब रिफ्लेक्ट कर देंगे, जैसे 0 हम लोग स्टन किया, हम लोग उसको रिफ्लेक्ट कर दिए उस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पैसिव कोर यह है कि हम लोग का अटैक इंक्रीज है 20% अगर क्यू ऑफ टीम में रहेगा, और यह सभी क्यू के ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर नेक्स्ट क्यू। और यहाँ पर हम लोग इंक्रीज क्रिटिकल डैमेज में 50% इफ़ यूरी इज इन द फॉर्मेशन, मतलब कोई सा भी यूरी, गोल्ड बॉर्डर यूरी हो, सिल्वर बॉर्डर हो, ब्रॉन्ज बॉर्डर हो, एक सेकेंड, ब्रॉन्ज बॉर्डर यूरी है भी इस गेम में? शायद नहीं है। ठीक है, SS यूरी हो, कोई भी यूरी हो, अगर आप उनके पास टीम में है, वो टीम में भी हो या स्ट्राइकर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस टीम में होना चाहिए, आपको फॉर्मेशन होना चाहिए, तो उससे आप लोगों को 50% एक्स्ट्रा क्रिटिकल डैमेज मिलने वाला है। मगर अनचेकल्ड इंस्टेंट यूरी और ओरोची यूरी से आप लोगों को ये इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। और उसके ड्यूटी ऑफ द फैमिली मेंबर पास यह है कि ऑल टीम मेंबर्स गेन 20% पावर अपॉन लैंडिंग अपॉन यूजिंग एन अल्टीमेट मूव, इंक्रीज अटैक इक्वल टू 60% ऑफ डिफेंस फॉर 7 सेकेंड्स। तो हम लोग जितना डिफेंस रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग डिफेंस टू अटैक कन्वर्जन कर पाएंगे। स्किल से बात करें तो पहला स्किल हम लोग का स्टारलेट स्किल है, जो हम लोग स्टारलेट अप्लाई करेगा, उसके बाद हम लोग का टारगेट का डैमेज इंक्रीज होगा 30% से, और यही हम लोग का चार्ज स्किल तो नहीं है ये, यूजिंग स्किल बटन्स आफ्टर, अच्छा ठीक है, तो और मतलब ये हम लोग का चेंजिंग स्किल है। तो और यहाँ पर हम लोग सुपर आर्मर गेन कर सकते हैं, और यहाँ 25% चांस टू रीसेट कूलडाउन अपॉन यूजिंग स्किल, और ऑल एक्टिव टीम मेंबर्स ऑब्टेन 4% पावर अपॉन यूजिंग स्किल। और हाँ, ये रीसेट पे कोई कूलडाउन नहीं है, 20% है, मतलब इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो अगर रीसेट हो जाता है तो। और उसका सेकेंड स्किल हम लोग का, एक सेकेंड तो नहीं चलते हैं, हाँ, सेकेंड स्किल हम लोग का स्टारलाइट वापस अप्लाई करते हैं, और हम लोग टारगेट स्टन कर देते हैं। और आखिरी में हम लोग का हाइपर आर्मर स्किल है, जो हम लोग जब हवा में रहेंगे तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे बोलो, एक्सप्लोजन कर सकते हो 5.5 times का, मगर अगर आप यहाँ गौर करते हो हम लोग का अटैक के ऊपर ही डील करता है ये भी, तो इसके साथ मेरे ख्याल से अटैक डबल अटैक स्टोन देने बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग डिफेंस तो इस मेडियन सेट से, मतलब चिज़ुरु सेट से भी हम लोग डिफेंस इंक्रीज करके काम वहाँ चला सकते हैं। और ये तो हम लोग का बात हो गया स्किल्स का, तो हम लोग को क्या जाने कि पहला स्किल हम लोग को स्टारलाइट देगा, और पहला और दूसरा स्किल हम लोग को स्टारलाइट देने वाला है। तो और पहला स्किल तो हम लोग गलती में ऐसे चेंज भी कर सकते, तो उससे फास्ट फर्क पड़ेगा नहीं। हम लोग सेकंड स्किल का ध्यान रखें कि हम लोग को वही इस्तेमाल करके अपना स्टारलाइट अप्लाई करना है। एफिनिटी हम लेवल 10 तक लेकर गए हैं, जिससे अब मेरे को यहाँ पर जितने रूबीज मिलने थे, और उसके बाद चिज़ुरु का अटैक डिफेंस और क्रिटिकल डैमेज रेट से इसे इंक्रीज करना, तो ये सब हम कर चुके हैं। और CP मेरा यहाँ पे 44,495 का है। तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ कितना डैमेज कर पाते हैं। तो गाइज, आप लोग यहाँ पर पूरा रन देखोगे, हम यहाँ कोई कमेंट्री नहीं करने वाले हैं, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। Okay.
तो गाइस हम लोग यहाँ पर 179 मिलियन का डैमेज रीच किया है, ठीक है। वन स्टार चिज़ुरु बिना किसी इम्प्रिंट स्टोन के, बिना अपने स्पेशल 3 PG कार्ड के 180 मिलियन डैमेज रीच किया है गीज हावर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। और ये सर्वाइव भी कर लिया आखिर तक, हमको पता बीच में तो गार्ड आउट किए थे मगर उसके बावजूद। और हम लोग क्या कितना रिवॉर्ड मिलता है, 232 मिलियन, मतलब हम लोग को बगल मतलब खाली 50 मिलियन का डैमेज हम लोग किए नहीं। और क्या बोले अब हम, मतलब ये वन स्टार चीज ये करिए बिना स्टोन्स के, ठीक है। हर बार क्या होता है हम लोग किसी स्टोन को इक्विप करके लेकर आते ही हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ इतना डैमेज कर रीच करें उतना डैमेज रीच करें, मगर हम लोग यहाँ कोई स्टोन भी इक्विप नहीं किए हुए हैं, समझ रहे हो। मतलब यार फ्री कैरेक्टर वाले तो भाई क्या बोले अब हम, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। तो गीज हावर्ड इतने इंप्रेस तो हो चुके हैं, तो इसको हम एक काम करते हैं, हम लोग लेके चलते हैं हम लोग के मेका स्पाइडर, तो वहाँ पे हम लोग देखें हम लोग कितना डैमेज रीच कर पा रहे हैं। तो कहाँ गए मेका स्पाइडर, हाँ ये रहा मकड़ू बाबू, अरे मकड़ू से ज़्यादा है हम लोग का स्पाइडरमैन रिलीज़ हो रहा है। आप लोगों का टिकट बुक हुआ कि नहीं अभी तक, तो यहाँ पर लोग जल्दी से इसको सेट कर लेते हैं। अगर टिकट बुक हो गया है तो हाँ स्पॉइल मत करना गाइस कहीं भी, हम लोग यहाँ नेमलेस को हटाते हैं। और कहाँ गई चीज़ जरूर, मतलब उतना कम CP होने के बाद ये डैमेज हो रहा है, कहाँ गई, हे वेयर आर यू 44 का, हाँ ये तो रहा। तो चलो हम लोग इसको यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। मतलब सबसे बड़ा गाइस देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ कोई स्टोन नहीं दिए हुए हैं, स्टोन नहीं दिए हुए कोई यहाँ पर हम लोग, तब हम लोग ये हाल कर रहे हैं, स्टोन देते तब क्या होता। तो यही लिए हम लोग अब इसको यहाँ मेगा स्पेडर लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर भी हम अपना माइक बंद कर दे रहे हैं, आप लोग पूरे गेम प्ले का मजा लो, हम लोग वीडियो के उस पार मिलते हैं। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ स्कोर देखो तो हम लोग 29 मिलियन का डैमेज रीच किया, ठीक है। और कुछ दिन पहले हम लोग जब नेमलेस को यहाँ लेकर आए थे तो 5-star नेमलेस, ठीक है, बफ होने के बाद नया सेट पाने के बाद 36 की 30 मिलियन, मतलब काया सेट 30 मिलियन का डैमेज रीच कर रहा था। तो क्या मतलब भाई क्या बोले अब हम, कुछ बोलने के लिए है यहाँ पर, मतलब 5-star नेमलेस जो डैमेज रीच कर रहा है पूरे स्टोन्स लेकर, 4-star मैक्स आउट स्टोन लेकर मैक्स कैप्सूल के साथ, यहाँ पर चिज़ुरु अकेले, ठीक है, अकेले 1-star पर बिना किसी इम्प्रिंट स्टोन के उतना डैमेज कर रही है। तो भाई यार बहुत ज़्यादा ताकतवर है चिज़ुरु, मतलब ठीक है बहुत ज़्यादा, अगर आप इसके पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना बिल्कुल नहीं पछताओगे, ये चीज़ तो गारंटी लिख के ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सही है। और हाँ आप लोग यहाँ देख रहे हो कि मैं स्ट्राइकर में कियो और SS कियो SS योरी को लेके आया, मुझे ज़रूरी नहीं कि आप लोग उनको ही लेके आओ, आप लोग यहाँ पर किसी भी कियो और योरी को ला सकते हो। आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन सी योरी यहाँ काम करेंगे और कौन कौन से कियो, उसके लिए हम लोग को आना पड़ेगा यहाँ कोडेक्स में और थोड़ा सा नीचे कह जाएंगे हम लोग यहीं कियो। तो ये रहा, तो यहाँ पर आप लोग जितने कियो दिख रहे हैं इन सभी को आप चिज़ुरु के साथ टीम में या फिर स्ट्राइकर के रूप में लेकर जा सकते हो, आप लोग को वाला बफ मिलेगा। और सेम टू सेम उसी तरह हम लोग यहाँ योरी कहाँ है हम लोग का 95 में तो योरी आया था, हाँ यहाँ पर हम लोग किसी भी इयोरी को लेकर चले जाओ तो इन सभी इयोरी से आप लोगों को वाला इफेक्ट सब मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद करते हुए आपको मजा जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लाते रहते हैं। और आपको भी तो चीज़ मिली है कि नहीं ये भी हमको नीचे ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है ये सभी चीज़ें हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और आप लोगों को क्या ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन था कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।